स्टूडेंट, दिस इज डीपी सिंह। आज आप लोगों के सामने डाउट क्लास के चौथे पार्ट में और ये क्वेश्चन लेके आए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो इस बार शायद मेंस में आया था। तो पिछले 4-5 दिनों में लोग 6 से 7 लोग इसको भेज चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें कोई अंदर एक पॉइंट पी है जहाँ से तीनों वर्टेक्स क्रमशः 3, 5 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था। पी कोई सेंटर नहीं है, इसने बताया था कि पी कोई भी एक पॉइंट हो सकता है इनसाइड अ ट्रायंगल जहाँ से तीनों वर्टेक्स यहाँ 3 और 5 और कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली इसको नॉर्मल तरीके से सोचने से नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। कई लोगों की डिमांड थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और भी आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं हम लोग ज्योमेट्री के। जो जो क्वेश्चन आए थे लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं अभी मेरे पास। तो देखिए, कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन वीडियो में नहीं मिल पा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो लोग मेरे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा उनको। मैथ्स बाई डीपी सिंह, ये पेज जो है फेसबुक पे है, अब भी जो लोग चलाते होंगे वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और नोट्स भी मिल सकते हैं उनको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपको देखिए क्या चाहिए कि ये कोई पॉइंट दिया था, यहाँ से तीनों वर्टेक्स 3 और 5 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पे दिए हुए थे। तो आपको क्या करना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आपको साइड पता होनी चाहिए, और तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एक भी साइड आप निकाल लेते हैं तो साइड से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर साइड है तभी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4a². तो मेन आपका काम क्या है इस क्वेश्चन में कि आप साइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, या कोई भी इन तीनों में से छोटे वाले ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने मान लीजिए, अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली पूरा 5 है ये 4 है कितना है ये है, इस ट्रायंगल को कॉपी करके या तो इधर लगा दे या तो इधर लगा दे, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इस वाले ट्रायंगल को उठाया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ऐसे हमने यहाँ पे लगा दिया, कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी जो ये वाला 5 था ये यहाँ पे आ गया 5, ये जो 4 था हमने यहाँ पे आ गया, और ये इसके ऊपर पेस्ट इसलिए हो सकता है कि ये वाली जो साइड है ए वाली, ये कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो ये यहाँ पे उठाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्या है, सर्वांगसम हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। अब देखिए आगे क्या करना है कि ये 3 है और ये 4 है, ये वाला 5 जो ये वाली भुजा थी यहाँ पे आ गई, ये वाली 4 यहाँ पे आ गई, ये दोनों त्रिभुज एक सेम थे तो इसलिए हम यहाँ पे सेट कर दें इसको। ये वाली भुजा दोनों के लिए क्या थी, कॉमन थी। तो अब क्या करना आपको कि देखिए कि आप चाहें तो आपको साइड ही निकालना है, तो साइड निकालेंगे तो बहुत कुछ हो सकते हैं आप। तो हम इसको देखें तो ये पूरा जो एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री का, एंगल सी जो होता है पूरा क्या है 60, ये भी 60 और ये 60 होता है समबाहु त्रिभुज में। तो अगर ये 60 है तो इसको हमने मान लिया कि ये थीटा है। ठीक है, अगर ये छोटा वाला थीटा होगा और तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा तो 60 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। और इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो एक भुजा जो ए है और एक भुजा 4 है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो ये वाला भी देखिए 4 है, ये वाला भी ए है, तो इनके बीच का कोण भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए ये ए और 4 है तो यहाँ भी कितना है, ए और 4 है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया, अगर हम इन दोनों को मिला दें, थोड़ा देर के लिए सोचिए, अगर इसको मिला लेते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं हम लोग, ये वाला पी था तो इसको हम ओ रख लेते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, अगर इस वाले लाइन को मिलाते हैं, डॉट डॉट कर लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, मिलाते हैं तो ये पूरा कोण को भी देखा जाए, अगर पूरे कोण को, तो ये थीटा था, ये 60 माइनस थीटा था, तो ये पूरा जो मिला के देखा जाए तो ये कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री है। अगर ये 60 है, साथ में ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, यानी ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया, P है, O है और C है, ध्यान से देखा जाए तो ये तो 60 डिग्री मिला आपको, और दोनों कितने हैं, 4 और 4 हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर ये कोण इक्वल होगा सभी, तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। यानी इससे हमको पता चल गया कि ये वाली साइड भी कितनी है, 4 है, 4 और 4 और 4, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी एंगल कितना है, 60 है, और ये भी कितना है, 60 है। अगर ये 60 हो गया, और दूसरा जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ऊपर में, कि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, अगर ये 3 और 5 और 4 आ गया हमारे पास, ठीक है,
तीन चार और पाँच आ गया, तो यहाँ से हम देखिए क्या देख सकते हैं इसको कि अगर ये तीन और पाँच और चार आ गया तो ये एक इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाँच वाली जो हो जाकर सामने जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 60 और 90, तो ये त्रिभुज में हमको पूरा ये एंगल मिल गया कितना कि ये 150 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को हम बाहर बना लेते हैं ऐसे कि ये वाला हमारे पास P था, ये वाला A था और ये कितना था C था, ये पूरा कितना मिल गया हमारे पास 150, जिसमें से एक भुजा तीन है और एक चार है और ये वाला कितना है A है पूरा। तो यहाँ से हम कोसाइन रूल लगा के क्या कर सकते हैं, इस वाले भुजा को निकाल सकते हैं। जैसे हम कॉस 150 डिग्री लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - a² यानी जो भुजा सामने होती है एंगल वाली को वो माइनस में होती है, नीचे कितना होता है 2 × 3 × 4, ये 150 डिग्री होगा। और 150 डिग्री का होगा कितना, ये कॉस 30 माइनस में हो जाएगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी जानते होंगे तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 यहाँ माइनस में आएगा, तो माइनस में √3/2, और ये कितना हो जाएगा 9 और 16 कितना 25 माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में ये 2 से 2 काट दिया जाएगा तो 3 × 4 ये इससे कट गया 12, और यहाँ अगर मिला ले तो कितना हो जाएगा -12√3, और ये इधर चला जाएगा तो -25 की वैल्यू -a², सब में माइनस है माइनस कट जाएंगे तो आ जाएगा आपके 25 + 12√3, ये वैल्यू जो होगी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, ये आंसर नहीं, ये सिर्फ क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। और आपको जो एरिया का फार्मूला होता है ये होता है √3/4a² होता तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे जो आपने निकाला है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी √3/4a², ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास कितना है 25 + 12√3, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि √3/4 25 + 12√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से ही है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एक टी और ई दो पॉइंट है और ए को डी से मिलाया गया है। ठीक है, ये रेशियो जो दिया हुआ था ए डी और डी बी का, ये दो संबंध 3 का था, ए और ई सी का भी रेशियो 2 और 3 का था, और बी डी रेशियो डी सी का रेशियो 2 संबंध 5 का है। तो अगर ये दोनों ओ पे काटते हैं तो आपको चाहिए ए ओ रेशियो ओ डी कितना होगा, डी ओ रेशियो ओ ई कितना फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देख लीजिएगा। डी एक ट्रांसवर्बल है, ए से डी एक कोई पॉइंट मिलाया गया, इसको हम केवीएन बोल सकते हैं। ये केवीएन नहीं होगा, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोई भी ट्रांसवर्बल है अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन में, और ना इसके समानांतर है, सिर्फ इन दोनों का अनुपात दिया है, इन दोनों का अनुपात दिया है और आपके पास ये वाला पॉइंट दोनों का अनुपात दिया। आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, साथ में आप चाहें तो इनका एरिया का भी रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जो डेटा दिया था हमारे पास, ये 2 अनुपात और कितना है 3 है, ये भी 2 और कितना है 3 है, और ये 2 और कितना है 5 है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग कि अगर हमारे पास इसका अनुपात दिया हुआ, इन दोनों का अनुपात दिया हो और ये भी 2 और 3 दिया, तो इनका भी अनुपात हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे एमपीजी लगाएंगे। एमपीजी हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा चौथा भी जल्दी आएगा उसका। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर रेशियो दिया हो तो किसी भी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक मास लेके हम एज्यूम करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने बी पे कोई भी एक मास एज्यूम कर लेते हैं, बी पे हम कुछ भी ले लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से कटने वाला हो, और किससे कटने वाला हो, 5 से कटने वाला। 2 5 से कटने वाला नंबर क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये वाला 10 है, तो 10 है तो इस 5 से ये 2 गुना पे है, और ये 3 से कितना है, 2 से कितना है, 5 गुना पे है। तो अगर 10 × 3, ध्यान से समझिए, अगर ये 10 ×
तीन अगर देखा जाए तो इधर वाला वेट हो गया 30, तो इधर भी बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, 30 ही चाहिए। तो अगर यहाँ दो है तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ दो है तो यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, हम लोग क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट 15 ले लिया गया तो वही सेम अगर हम यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू इधर 10 लिखे हैं तो ये 2 × 10 कितना हो गया, 20 होगा। तो यहाँ भी हमारे पास कितना 20 होना चाहिए, 20 होने के लिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 लेंगे तभी होगा क्योंकि 5 × 4 = 20 और 2 × 10 कितना होगा, 20 होगा। अगर ये 4 आ गया तो इस वाले लाइन में देखा जाए तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, ये इससे 2 गुना पे है, तो ये भी इससे कितना गुना पे, 2 गुना पे, 2 गुना पे होगी तो यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब देखा जाए, अब हमने रेशियो सारे निकाल लिए हैं, अगर रेशियो निकाल लिए तो यहाँ 10 है और यहाँ 4 है तो ये कितना होगा, 14 होगा। अगर ये 15 है, ये 10 है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 25 हो जाएगा। अगर ये 6 है, ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो लोग एमपीजी वाले पार्ट देखेंगे उन्हीं को इस क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर इन दोनों का अनुपात देखा जाए तो ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 25 यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा DO और OE का, 10 और 25 का, तो 5 से 2 बार 5 से 5 बार, 2 और कितने का अनुपात आ जाएगा, 5 का अनुपात आ जाएगा। और इस अनुपात की बात करें हम तो ये 15 और 6 कितना है, 21 है, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं स्फील्ड मास थ्योरम के तहत, तो ये 21 है और ये वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से भी जो अनुपात आया 7 से कट जाएगा, 3 बार 7 से कितने बार, 2 बार। तो AO और OD का अनुपात 2:1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं क्वेश्चन में।